बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ। जी हाँ, इस समय लाइव बीएनएस की टीम सारनाथ में है और जैसा कि आप जानते हैं कि बनारस में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 44-45 के आसपास जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सारनाथ में पर्यटकों की कमी भी दिख रही है और जो पर्यटक दिख रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे आप घूमने आए थे और किस तरह का अनुभव साझा किए। मैडम, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति मैम, कहाँ से हैं आप और यहाँ आगे कैसा? यहाँ मैं बनारस में ही रहती हूँ, स्टडी करती हूँ। कहाँ पे आज आप सारनाथ में आई हुई हैं, क्या महत्व है और कैसा लग रहा है? हम लोग घूमने आए थे, सारनाथ प्लेस है बुद्ध का, अच्छा है, बट गर्मी की वजह से और यहाँ की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि बर्ड्स और बाकी क्रोकोडाइल्स, या फिर यहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं, उनके लिए साफ़ पानी नहीं है जिसकी वजह से कई जानवर मर भी गए हैं, तो ये बेटर नहीं है। ये हमारा ये टूरिस्ट प्लेस है तो उसको तो कम से कम अच्छा रखना ही चाहिए। क्या क्या लगता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुना है, हम लोगों ने यहाँ के जू को, यहाँ के चिड़ियाघर को और हाई प्रोफाइल होना चाहिए, थोड़ा अत्याधुनिक? ऑफकोर्स होना चाहिए और वो आए हैं तो धीरे धीरे होगा ही डेवलपमेंट, तो वेट एंड वॉच। आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ पर्यटक शर्माते हैं, कुछ खुल के बोलते हैं और कुछ नहीं भी बोलना पसंद करते हैं घूमने के दौरान, हो सकता है कोई कोई बात करता है। आप जी, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी, आज कहाँ पे आए आप और क्या लगा आपको? सारनाथ घूमने आए जो है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। अब हम सांसद नहीं, हम जो है प्रधानमंत्री चुने हैं, तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है पर्यटक के लेके, क्योंकि एक बनारस काशी का बहुत बड़ा महत्व है, उसमें सारनाथ, सारनाथ जो है विदेशों में भी लोग इसको जानते हैं, घूमने आते हैं। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, जो कि जानवर यहाँ मर रहे हैं, जो साफ सफाई, जो उनके खाने की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं है। टेम्परेचर के दौरान क्या कुछ जानवर हैरान भी दिखे? क्या हैरान भी दिखे, प्यासे दिखे, जो है कहीं पानी नहीं है, कहीं ताज़ा पानी नहीं है, कहीं साफ सफाई नहीं है, ये होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अन्य शहरों में भी आप गए होंगे, वहाँ के जू को भी देखा होगा? मैंने बैंकॉक गया जो है घूमने गया, वहाँ साफ सफाई पर्यटक के लिए बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था है, नीट एंड क्लीन व्यवस्था है, लगा कि नहीं हम कहीं घूमने आए हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं है। ऐसे में स्मार्ट सिटी बोली जाती है बनारस को, स्मार्ट सिटी बोला जाता है, तो स्मार्ट सिटी के तहत किस तरह की एक कल्पना है? हम कहते हैं कि पूर्वांचल की राजधानी होगी, लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ जो है ये पर्यटक के लिए, सारनाथ के लिए कुछ ऐसा करें जो कि दिखे कि नहीं कुछ किए जो है, क्योंकि उन्होंने रोड के लिए, बिजली के लिए जो किया है वो कभी नहीं था, लेकिन हम चाहेंगे कि पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, पर्यटक से हमारे सरकार को अर्न हो रही है, लोग आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो है नहीं जो होनी चाहिए। मैं हूँ हर्ष सिंह, बिठलपुर कुरौत से। क्या कहना चाहोगे हर्ष जी, आज टेम्परेचर भी बहुत हाई है, 44-45 डिग्री है, ऐसे में यहाँ कैसा लगा आपको घूम के? हम सोचे थे कि यहाँ आएंगे खूब अच्छे से घूमेंगे, लेकिन यहाँ पे आके लगता है अब हमको नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे पक्षी मर रहे हैं और भूखे हैं सब, तो ऐसा लग रहा है हमें नहीं आना चाहिए था आज के दिन, शाम को या सुबह आना। तो अगर व्यवस्थाएं दी जाती तो इस तरह की तो परेशानी पक्षियों को या पशुओं को नहीं समझ में? हाँ जी, यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था कमी है, बहुत सारी कमी है, आपने देखा कमी और कमी, और एक परिवार वहाँ पे भी बैठा हुआ है, उस परिवार से भी जानना चाहेंगे। देख सकते हैं आप, छाँ देख कर ये परिवार बैठा हुआ है, काफ़ी थका हुआ घूमते घूमते। जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मौर्य जी। सुरेंद्र जी, कहाँ पे आए थे और कैसा लगा आपको यहाँ? हम तो बनारस से ही हैं जी, घूमने के लेकर आते परिवार, लेकिन इतना गर्मी है कि घूमने का मन नहीं कर रहा है। लोगों की संख्या भी आज कम लग रही है? बहुत कम है जी, गर्मी की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा है इसीलिए कोई आ नहीं रहा है, जो आ रहे देख ही रहे हैं, गर्मी से एकदम पक्षी भी इधर सब, पशु भी सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ की व्यवस्था में कुछ सुधार होना चाहिए? बिल्कुल सुधार होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रबंधक हैं यहाँ के, उनसे निवेदन करता हूँ कि इसके लिए कुछ अपना करें भाई। तो आपने देखा निवेदन, मैडम आपसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगी यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, कैसा लगा यहाँ घूम के आपको, और पशु पक्षियों की जो व्यवस्थाएं दिखी वो कैसी लगी आपको?
पशु पक्षियों को लेकर तो बहुत दिक्कत है, यहाँ पे पशु पक्षी की बहुत कमी हो चुकी है, क्योंकि सब जगह देख रहे हैं चारों तरफ पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है, ना तो पानी वगैरह उतना है, ना कोई पशु पक्षी, इसीलिए जब कुछ रहेगा तभी ना कोई यहाँ पे आएगा देखने के लिए घूमने के लिए, इसीलिए जनसंख्या ज़्यादा इसलिए भी कमी हो चुकी है, और तापमान में भी कमी तो ये है ज़्यादा, इतना हो गया है कि कोई आ ही नहीं रहा है। अन्य शहरों में भी आप लखनऊ दिल्ली भी गई होंगी, वहाँ के चिड़ियाघर में भी आप घूमी होंगी, वहाँ में और यहाँ में क्या अंतर दिख रहा है? हम तो ज़्यादा कहीं और नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ा सा व्यवस्था सब जगह का ठीक ठाक होना। तो आपने देखा महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली पर आने के बाद टेम्परेचर से थपेड़ा खाते हुए जी यहाँ धूप और गर्म हवाओं का जब एक प्रकार से कहा जाए कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ये गर्मी, तो जानवरों की हालत क्या होगी। ऐसे में लोगों ने ज़रूरत समझी है और एक चीज़ निकल कर आई है कि सारनाथ में व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। लाइव बीएनएस के लिए ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी।